गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, आपने स्टेट ऑफ मैटर्स तक कहाँ तक किया था पिछली बार, एक बार बता दो मुझे। सर केटीजी थ्योरी हो गई थी। अच्छा, पेपर डिस्कस किया था और स्टेट्स ऑफ मैटर में केटीजी थ्योरी की थी ना। यस सर। वेंडर वाले क्वेश्चन तो नहीं बताया था मैंने आप लोगों को। तो बेटा आज हम लोग करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, जो हमारे पास रियलिटी में गैसेस होती है उनका बिहेवियर कैसा होता है, आइडियल या नॉन आइडियल। आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस होता है बेटा। इसमें देखो आइडियल गैसेस कौन सी होती है, कोई भी रियल गैसेस, मैंने आपको सर बताया बताया होगा बेटा पहले मैंने आपको आइडियल गैसेस कौन सी होती है। हाँ बेटा बोलो। ये वाला टॉपिक हो गया था अच्छा हो गया, तो फिर आप ये ले लो एक्सप्लेनेशन लास्ट में, होगा। हमने कॉसेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ा था। अच्छा फिर तो ये हो गया बेटा, ये वाला हो गया था है यस सर। ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस। डेविएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये करना है। सर इसकी जो दो पोस्टुलेट्स थी वो आपने बता दी थी। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बेटा कैसे होता है डेविएशन, क्यों होता है, क्या रीजन है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं रियलिटी से डेविएट क्यों होती हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं अपने, ये देखना है बेटा। ठीक है, यस सर। तो इसको बेटा बोलेंगे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये जो एक्सप्लेन किया जा सकता है, इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन इन प्रेशर टर्म एंड इन वॉल्यूम टर्म एंड न्यू इक्वेशन इज वेंडरवाल इक्वेशंस ऑफ गैसेस। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एनआरटी, एनआरटी तो दैट इक्वेशन इज नोन एज, जब गैस का बिहेव आइडियल होता है तो ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्या हुआ, इस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया और न्यू इक्वेशन आ गई पी प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर। या इससे पहले अब एक थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, हम
प्रेशर जो पी आइडियलिटी में लिया गया वो नहीं लिया गया, उसकी जगह एक करेक्शन किया गया पी डैश, पी प्लस पी डैश, वी में करेक्शन किया गया बेटा वॉल्यूम का वी डैश, प्रेशर इंक्रीज किया गया वॉल्यूम इंक्रीज किया गया इज इक्वल टू एनआरडी। इसमें पी जो था उसको बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन टर्म, और ये बेटा जिस वैल्यू के इक्वल होता है वो होता है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। पी डैश प्रेशर करेक्शन टर्म में, और प्रेशर करेक्शन टर्म जो होता है पी डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है। और बेटा यहां पर ए एक वेंडरवाल कांस्टेंट ए होता है, वेंडरवाल कॉन्स्टेंट ए है और रिलेटेड टू है ये बेटा अट्रैक्टिव फोर्स। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल में कितना अट्रैक्शन होता है उससे रिलेटेड है बेटा। पी डैश ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए इज रिलेटेड विद द वेंडरवाल कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू अट्रैक्टिव फोर्स। प्रेशर करेक्शन टर्म बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर है, ए वेंडरवाल कांस्टेंट ए है और ये रिलेटेड टू होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस से। वी डैश जो है वो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, वी डैश इज इक्वल टू एन बी होगा, और यहां पर एन बी में बी जो है वो वेंडरवाल कांस्टेंट भी है। और ये रिलेटेड टू है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, या आप कह सकते हो रिपल्सिव फोर्स। ए इज रिलेटेड विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड बी इज रिलेटेड विद द रिपल्सिव फोर्सेस। अब एक्चुअली बी होता क्या है, बी इज इक्वल टू होता है बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वन मोल ऑफ गैस का मीनिंग क्या है इसको अगर स्टडी करें अपने। सपोज बेटा ये देखो एक, हाँ यहां तक बेटा यस सर हो गया।
अब बेटा बी क्या हो सकता है, ये बी जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, तो इसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सपोज ये गैस का मोलिक्यूल है बेटा, ये गैस का मोलिक्यूल स्फेरिकल होगा, इसकी रेडियस आर होगी, इसके पास में एक गैस का मोलिक्यूल और आ गया, इसकी भी रेडियस आर होगी, तो इसका मतलब दोनों मोलिक्यूल के लिए जो वॉल्यूम हो गया 3D के अंदर, ये वॉल्यूम हो गया, इसके अलावा कोई और पार्टिकल यहां पर अपियर नहीं हो सकता, दो पार्टिकल ये हो सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, ये आर पार्टिकल, ये आर पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये जो एक्सक्लूडिव वॉल्यूम हो गया, ये आर है तो ये भी बेटा आर है, ये भी आर है, तो यहां से देखूंगा यहां तक 2R हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब दो मॉलिक्यूल के अंदर कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता बेटा, दो ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ कितने पार्टिकल हैं देखो, 2 मॉलिक्यूल हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 4/3 पाई आर आएगा, आर क्या होगा, 2R होगा यहां तक रेडियस, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम सर ऑफ, हाँ बोलो सर ये डॉटेड सर्कल क्या है, समझ नहीं आया। बेटा, मैंने ऐसा कर दिया दोनों सर्किल को एक के अंदर कर दिया, यस सर, अगर बाहर करते अपने, देखो इतना इतना बाहर हो जाता ना, ये आर बाहर हो जाता, हाँ ये आर बाहर हो जाता, मैंने इस सर्किल को अंदर कर दिया, दोनों सर्किल अंदर कर दूंगा तो दोनों का सर्किल का बराबर आ जाएगा ना, ऐसे यस सर, ये हो जाएगा ना, तो इसमें एक्सक्लूड वॉल्यूम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R³, लेकिन इस सर्किल का जो अब सर्किल बनाया उसका आर कितना हो जाएगा, बिकॉज आर ये और आर ये, टू आर तो मैंने इधर 2R लिख दिया ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना हो गया बेटा, एक्सक्लूडेड का मतलब कोई और पार्टिकल नहीं आ सकता इनके पास में 3D में, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल 4/3 पाई R³, लेकिन अब की बार आर कितना होगा, रेडियस तो सर्किल का होगा ना इसके वाले का, टू आर हाँ बिल्कुल बेटा 2R, 2R³, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इतना हो जाएगा 2³, 8, 8 × 4/3 πR³ लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 2³, 8, 8 आ गया बेटा, 4/3 πR³, तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम
ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये कितना हो जाएगा बेटा? 8 × कैलकुलेशन बनाओ, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना आ गया? एक्चुअल मॉलिक्यूल का 4/3 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे गैस का मॉलिक्यूल एक होता है, उसकी रेडियस आर होती है, उसका जितना एक्चुअल वॉल्यूम होता है, वो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? गैस का मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, 4/3 होता है नहीं? पाई 4/3 πr³। लेकिन गैस का मॉलिक्यूल अपने से 4 टाइम्स ऐसी जगह होती है जिसमें किसी को नहीं आने देता 3D में, इसलिए इसको बोलते हैं किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि पास में आ गया तो बेटा वो गैस तो रहा ही नहीं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, इसी को बी बोला जाता है बेटा। बी ये क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, अभी भी नहीं आएगा, अभी बोलो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होगा बेटा? 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है उसका 4 टाइम होगा। तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस कितना आएगा बेटा? 16 πr³। नहीं, 16 क्यों होगा बेटा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस है। तो 16 πr³ मल्टीप्लाई में यानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल की बजाय वन मोल है तो वन मॉलिक्यूल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू वन मोल है, तो एक दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इसी को बी बोलते हैं बेटा। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होता है? खुद का 4 टाइम्स, 4 × 4/3 πr³ इंटू एवोगैड्रो। ये जो होता है वेंडरवाल कांस्टेंट बी होता है। ये जो होता है वो कौन सा कांस्टेंट है बेटा? वेंडर वाल्स कांस्टेंट, कौन सा? बी। तो बी देखो, ये 4 है, ये 4/3 है, पाई है, तो नंबर है, सारे कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा वेंडरवाल कांस्टेंट बेटा? किस पर डिपेंड करेगा वेंडरवाल कांस्टेंट? बी एक्चुअली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस होगा। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 4 × 4/3 πr³ इंटू एन ए। इसका मतलब वेंडरवाल कांस्टेंट बी किस पर डिपेंड करता है बेटा, बताओ आप मुझे? आर आर पे। वेरी गुड, एस पे। वेंडरवाल कांस्टेंट बी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस। तो आपके लिए बेटा दो वेंडरवाल कांस्टेंट आ गए, एक तो आया ए और एक आया बी। तो वेंडरवाल कांस्टेंट ए किस पर डिपेंड करता है बेटा? मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस कितने होते हैं?
और बी किस पे डिपेंड करता है बेटा, मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। रिपल्सिव फोर्सेस कितने हैं? एक्चुअली साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा होगा उतना रिपल्सिव ज्यादा होगा। क्लियर बेटा इतना? क्लियर, आगे चलूं? यस सर। तो अल्टीमेट अल्टीमेटली अपने आते हैं वैन डर वाल इक्वेशन पर। सो जो किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल सब सोल्व करती है, उस इक्वेशन का क्या नाम है बेटा? उस इक्वेशन को बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैसेस। ये किसको भी है? ये किसको? वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस बेटा किसको किसको एक्सप्लेन करती है? सारे बिहेव को, चाहे आइडियल हो किसी गैस का चाहे नॉन आइडियल हो, सबको एक्सप्लेन करती है वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस। किसको एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन आइडियल वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस आ गई बेटा। ये किसी भी गैसेस की आइडियल बिहेवियर, नॉन बाय आइडियल बिहेवियर सबको एक्सप्लेन करती है। तो एक्सप्लेन आइडियल बिहेव एंड कौन सा बिहेव? नॉन आइडियल बिहेव भाई डेविएट होगी कोई गैस आइडियल इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू एन आर टी से, या नई इक्वेशन से डेविएट होगी। दोनों एक्सप्लेन करती है वैन डर वाल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा हमने? पी प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। पहला क्वेश्चन आता है यहां पर, यूनिट ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए एंड बी। पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा इससे देना है अपने को। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन, जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए किससे रिलेटेड है बेटा? इज रिलेटेड विद अट्रैक्टिव फोर्सेस। बिल्कुल, आप यहां बोलोगे पहले क्या बोलोगे? इज रिलेटेड विद प्रेशर करेक्शन टर्म। क्या बोलोगे बेटा? प्रेशर करेक्शन टर्म। पहले रिलेटेड है प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म को पी डैश से लिखोगे, ये सपोज पी डैश है, और पी डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा? ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बिल्कुल सही है, पी डैश इज इक्वल टू ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशन वाला रूल लगा दो। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए इज इक्वल टू पी डैश वी स्केयर अपॉन एन स्केयर। तो यूनिट ऑफ ए क्या आ जाएगा? पी का होता है पास्कल, यूनिट होता है पास्कल। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब का मतलब मीटर सिक्स स्केयर है, और पर मोल। अगर बेटा आपसे एसआई यूनिट पूछ ले एग्जाम में,
तो आप ये आंसर देंगे, पास्कल मीटर का सेक्स और मोल पर मीटर स्क्वेयर। अगर आपके आपसे ए का यूनिट पूछ ले नॉर्मल, तो पी का प्रेशर का सर होता है आपकी आवाज एटीएम। बहुत कम आ रही है। नो बेटा सभी को कम आ रही है यहाँ? सर हमें सही आ रही है। हमें नो सही। सर हाँ बेटा, तो एक सर आओ, हाँ कनेक्शन चेक करो बेटा आपका। तो देखो बेटा, ए का यूनिट ऑफ ए एसआई यूनिट करोगे पास्कल, मीटर का क्यूब, क्यों मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब का स्क्वायर लिख रखा है तो 6 हो जाएगा मोल पर मीटर का स्क्वायर। और अगर नॉर्मल पूछोगे तो पास्कल की बजाय प्रेशर का नॉर्मल यूनिट क्या होता है बेटा, एटमोस्फेयर। वॉल्यूम का नॉर्मल होता है लीटर, लीटर का स्क्वायर। पर मोल स्क्वायर। तो वेंडरवाल कांस्टेंट ए, वेंडरवाल कांस्टेंट ए का बेटा अगर आपसे नॉर्मल यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे, एक बार रिपीट कर दो। एटीएम लीटर स्क्वायर एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर। और अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा? स्क्वायर पास्कल मीटर का स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां तक? और बेटा यहाँ थैंक एक यू चीज और, कि ए जो वैंडरवाल कांस्टेंट ए है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी गुड, वैंडरवाल ए कांस्टेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर कौन से फोर्सेस बेटा? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। इसका मतलब वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी तो बेटा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी किसी गैस के लिए तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? फोर्सेस के अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा। और बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विफिकेशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा बेटा? इजी इजी होगा, इजी होगा। इजी तो हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू देख के लिक्विफिकेशन का बता सकते हैं। जिस गैसेस के लिए ए की वैंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होती है उसका मतलब उसका लिक्विफिकेशन इजी होता है। क्लियर? सर यहां तक क्लियर बेटा? दूसरा देखो, वेंडरवाल कांस्टेंट बी बेटा, वेंडरवाल कांस्टेंट बी, वेंडरवाल कांस्टेंट बी, तो पहले दिखा रहा हूं यूनिट ऑफ बी, तो ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम करेक्शन टर्म से। इट इज रिलेटेड विद वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो वी डैश इज इक्वल टू एन बी आ जाएगा। बी का यूनिट निकालना है बेटा आपको, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी डैश अपॉन एन, तो यूनिट ऑफ बी क्या आ जाएगा? देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ऑर्डिनरी यूनिट क्या होता है? लीटर बेटा। और एन नंबर ऑफ मोल होता है, तो क्या लिख सकते हो? लीटर पर
मोल, लेकिन आप साथ में लीटर का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, और मोल का मोल ही होता है मीटर क्यूब पर मोल, ये कौन सा यूनिट हो जाएगा आपका, एसआई यूनिट। तो वेंडरवाल कांस्टेंट ए और बी का आप यूनिट निकाल सकते हो, क्या यूनिट आएगा, एसआई यूनिट निकाल सकते हो और दूसरे वाला यूनिट निकाल सकते हो सपोज। इज इट क्लियर बेटा, कोई डाउट? सर बोलो बेटा। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। यहां तक बेटा और ऊपर सर थोड़ी ऊपर। और ऊपर बेटा सर जहां पे वो ए के बारे में लिखा था उसका ट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो। जस्ट तो वेंडरवाल ए कांस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ए की वैल्यू बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे इज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। फिर दूसरा वेंडरवाल कांस्टेंट बी था बेटा, बी की वैल्यू तो यूनिट ऑफ बी। हेलो सर, हाँ सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए जहाँ पर ऐसा यूनिट लिख दिया आपने ए की। यहाँ देख लो बेटा, यहाँ तक ये सर वो पास्कल के बाद मीटर की पावर 6 है या स्क्वायर? पास्कल के बाद 6 है बेटा। ओके सर। लीटर स्क्वायर है, एक लीटर में पर मीटर क्यूब होते हैं, तो एक लीटर में मीटर क्यूब होते हैं तो लीटर स्क्वायर है तो मीटर का 6 हो जाएगा ना बेटा। क्लियर yes, बेटा आगे चलो सर। सर अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन का ना, जब आपको आइडिया ले रखा होगा तब तो क्या यूज करोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल, कुछ नहीं लिखा हुआ है तब भी आइडियल लोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। Yes, जब ए और बी की वैल्यू दे रखी हो आपको, ए और बी के वैल्यू तो वैन डर वाल कांस्टेंट ए का वैल्यू भी दे रखा है और बी का वैल्यू भी दे रखा है बेटा। yes, sir. तो इसका मतलब हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी तब, वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो आगे बेटा, तो वेंडरवाल कांस्टेंट में ए और बी वेंडरवाल कांस्टेंट हो गए बेटा। अब आप क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर करोगे, सपोज आपको केस फर्स्ट दे दिया, सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ ए अपॉन बी, ए नोट दे दिया बेटा, ए और बी, ए और बी क्या है हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट है बेटा। तो ए किससे रिलेटेड है, ए रिलेटेड विद अट्रैक्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस, ए का मतलब अट्रैक्शन, तो ए इज इक्वल टू क्या था अट्रैक्शन फोर्सेस, क्या था ये इक्वेशन थी पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये अट्रैक्शन फोर्सेस से रिलेटेड था। तो अट्रैक्शन फोर्सेस मतलब पी डैश, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये एन वी किसके लिए हो गया दूसरे वाला वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास एन बी। हमें क्या वैल्यू चाहिए ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए की वैल्यू निकाल लो तो पी डैश वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू निकालो, वी जो हो गया वी डैश
अपॉन एन, आप कैलकुलेट कर लो बेटा। एन से एन कैंसिल हो गया, वी डैश से वी कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन बी क्या आ गया अपने पास, पी डैश वी अपॉन एन। तो यूनिट निकालो बेटा आप, तो पी का क्या होता है एटमोस्फेयर, वी का क्या होता है लीटर, नंबर ऑफ मोल का होता है पर मोलियम, ये ऑर्डिनरी यूनिट हो गया। अगर आपसे एसआई यूनिट पूछे तो बेटा एसआई यूनिट दे दो, एटमोस्फेयर का एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल, प्रेशर का पास्कल, लीटर का मीटर क्यूब, मोल का पर मोल, ये हो जाएगा एसआई यूनिट, जैसा एग्जाम में पूछे वो वाला आंसर दे देना। तो क्लियर बेटा? सर हाँ बोलो सर, यहाँ पे वॉल्यूम से ऊपर वाला वॉल्यूम कैसे कटा? देखो ए अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू पी वी स्क्वायर, पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है ना, और वी डैश की वैल्यू एन बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई, उल्टा कर दिया, हाँ भाई गलती हो गई, B की वैल्यू नीचे है, हानी सही तो है, V V डैश है ये ना? Yes sir, डैश है। Yes, yes, अपॉन एन है, तो इसका मतलब ये मिस्टेक हो गया ना अपने से, तो एक V से एक V कैंसिल हो गया। सर हाँ सर, जो V डैश है वो तो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, और जो ऊपर वाला V है वो तो नॉर्मल वॉल्यूम है, तो दोनों कट जाएंगे। यानी V तो है ही ना, वॉल्यूम तो है ही, इसलिए कैंसिल होगा बेटा। सर मतलब सिर्फ वॉल्यूम करेक्शन टर्म तो वी डैश है ना, वी डैश इज इक्वल टू एन बी हो गया। सर मतलब यूनिट्स निकालने के लिए हमने वॉल्यूम को वॉल्यूम से काट दिया। हां वॉल्यूम से वॉल्यूम को कैंसिल करेंगे बेटा, बिल्कुल। ओके सर, क्योंकि यूनिट तो चाहे वी डैश हो चाहे वी हो, वॉल्यूम क्या होगा, वी डैश का वॉल्यूम भी लीटर होगा और वी का वॉल्यूम भी लीटर होगा, लीटर ही होगा है ना। ओके सर, क्लियर बेटा? यस। अब क्या हो गया, आपने डिफरेंट केसेस देंगे, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, आइडियल बिहेव से डेविएट कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करो, वो कहेगा अपने से। अब देखो जैसे केस फर्स्ट में अपने को लिख लेगा एट लो प्रेशर, क्या कंडीशन दे दिया बेटा, लो प्रेशर। आप हमेशा एक्सप्लेन करना प्रेशर या वॉल्यूम में जो डोमिनेंट हो। अब देखो प्रेशर लो है तो क्लियर कट है कि वॉल्यूम क्या होगा, हाई। सुन रहे हो बेटा? यस सर। अगर yes. हमेशा एक्सप्लेन क्या करेंगे, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, क्या सिखा रहा हूं, जब प्रेशर हो जो भी हो, प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम हो, जो हाई हो वो डोमिनेंट होगा, तो प्रेशर लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, हाई, तो आप इसको डोमिनेंट ले लेना। अब आप इक्वेशन लगा देना, इक्वेशन क्या होती है बेटा, पी प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, वेंडरवाल इक्वेशन हो जाएगी, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? यस सर। अब बेटा ये इक्वेशन लगा दिया आपने, सपोज इजी करने के लिए फॉर वन मोल गैस ले लेते हैं, फॉर वन मोल गैस, तो एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा बेटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी।
अब देखो प्रेशर लो है लेकिन वॉल्यूम क्या है, प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो इसका काउंटर पार्ट नेगलेक्ट कर दो, समझ गए बेटा यहां तक। प्रेशर लो था मतलब वॉल्यूम हाई, तो वॉल्यूम हाई है तो काउंटर पार्ट नेग्लिजिबल हो गया, क्लियर तरीका है बेटा ये सोल्व करने का। अगर काउंटर पार्ट नेग्लेक्ट हो गया तो इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास? सर वो नेग्लेक्ट कैसे हो गया, जब वी हाई हो गया तो बी के कंपैरिजन में वी बहुत हाई है ना, यस सर, तो वी माइनस बी किसके इक्वल ले सकते हो आप? सर वी के, वी बिल्कुल वी के मैथमेटिकली ले सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो यहां क्या रह जाएगा सिर्फ v इज इक्वल टू आर टी। सर अब बोलो सर, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो फिर b की वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए, उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना सर, लेकिन b, ओके सर, है ना, b के कंपैरिजन में v बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तरीका है सोल्व करने का कि बी वी और बी में वी हाई हो गया तो बी को क्या करना पड़ेगा हमें, तो आप सोल्व करने का तरीका सीखोगे ना आप, तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस इज इक्वल टू आर टी, तो बेटा क्या रह गया देखो, पी को वी से मल्टीप्लाई करो, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, आर टी को सबसे डिवाइड कर दो, इधर ले आओ पी वी अपॉन आर टी प्लस ए वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो पी वी अपॉन आर टी क्या होता है बेटा, पिछली क्लास में बताया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा देखो, Z का वैल्यू क्या आ गया बेटा, Z प्लस A अपॉन आर टी वी इज इक्वल टू वन, तो Z इज इक्वल टू वन माइनस A अपॉन आर टी वी, तो Z लेस देन वन आ गया, Z लेस देन वन इसका मतलब गैसेस डेविएट हो गई, जब z इज इक्वल टू वन होता है तभी तो गैस आइडियल बिहेव शो करती है ना, तो लो प्रेशर पर गैसेस क्या होगी डेविएट एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पर गैसेस डेविएट होगी किस साइड में होगी बेटा, ए आ रहा है, ए का मतलब कौन से फोर्सेस होते हैं देखते जाओ बेटा, मैथ को थियोरेटिकली नोट करते जाओ, कहीं क्वेश्चन में कभी भी जिंदगी में चाहे आप कौन सा एग्जाम दे देना कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ए किससे रिलेटेड है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो गैसेस डेविएट हो जाएंगी क्योंकि जेड की वैल्यू वन नहीं आई, लेस देन क्या आई वन आई, तो लेस देन वन आई तो गैसेस डेविएट फ्रॉम एट लो प्रेशर फ्रॉम किससे, आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर होगी, लेकिन टुवार्ड किस साइड में, टुवार्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, टुवार्ड कौन से फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब लिक्विफिकेशन, इसका मतलब बेटा कोई गैस लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब डेविएट हो रही है आइडियल बिहेव से, लेकिन डेविएट हो रही है लेकिन z की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन वन आएगी, अगर z का वैल्यू वन नहीं आता तो इसका मतलब डेविएशन है, ये तो पहले ही कर चुके आप,
और z का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है बेटा बताओ एक बार, क्या समझ रहे हो इस बात से? है ना, गैस डेविएट होगी, लेकिन किसकी तरफ डेविएट होगी? लिक्विफिकेशन की तरफ, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ। क्लियर? अब मान लो आप प्रेशर लो कर देते हो बेटा, कंडीशन लगाते जाओ। पिछली बार प्रेशर ही लो करा था, प्रेशर लो किया था ना अभी। यस सर। तो लो प्रेशर पर इसका मतलब गैस क्या करेगी, आइडियल होगी नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल किस तरफ होगी? डेविएशन तो करेगी। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब उसका लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब सपोज अपने हाई प्रेशर लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं हाई प्रेशर, के सेकंड लगा देते हैं, ये कंडीशन लगा दी बेटा हाई प्रेशर। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वेंडर वाले इक्वेशन, P प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? वेंडर वाले इक्वेशन। तो इसका मतलब वेंडर वाले इक्वेशन तो हर तरह का बिहेव एक्सप्लेन कर सकती है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। अब क्या है, प्रेशर हाई है, तो पहले इस इक्वेशन को 4-1 मोल गैस बनाओ, हमारे लिए कंक्लूजन निकालना इजी हो जाएगा। 4-1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। क्लियर? भाई सब कुछ मैथमेटिकल है, कुछ भी अलग से नहीं है। क्लियर? अब कौन सा प्रेशर लगा रहे हो आप, प्रेशर कैसा लगा रहे हो? हाई। हाई, तो इसका मतलब इक्वेशन यही, प्रेशर जो हाई होता हुई तो डोमिनेंट होता है बेटा। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये कर रहे हो हाई, तो हाई है तो डोमिनेंट है, जो हाई होता है वही डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब ये ए, ये क्या कर सकता हूं इस केस में मैं, नेगलेक्ट, काउंटर पार्ट नेगलेक्ट कर सकते हो। अब की बार प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई है तो पास वाला पार्ट जो है क्या कर सकते हो आप, नेगलेक्ट। सर प्लस हो या माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जो भी है काउंटर पार्ट क्या है उसका, जो हाई होगा डोमिनेंट होगा उसके पास वाला, चाहे प्लस में इफेक्ट हो चाहे माइनस में हो, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो अब क्या रह जाएगा इक्वेशन अपने पास, देखो बेटा पी हाई था तो पी के पास वाला काउंटर पार्ट नेग्लिजिबल होगा, तो इक्वेशन क्या रह गया, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो क्या बन जाएगा, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, आर टी इधर ले आओ, पी वी अपॉन आर टी माइनस पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। पी वी अपॉन आर टी को क्या बोलते हो, जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं बेटा, माइनस पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस प्लस पी वी अपॉन आर टी। बी कौन से के लिए फोर्सेस है, कौन सा फोर्सेस है बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं तब ये इक्वेशन होता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। तो z ग्रेटर देन 1 आ गया ना बेटा, 1 में कुछ
ऐड करेंगे तभी तो आएगा। तो ये किस प्रेशर पे होता है? एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर बहुत हाई रखते हैं तो जेड का वैल्यू ग्रेटर देन होता है, मतलब कौन डोमिनेंट होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो जब आपका लो प्रेशर होता है बेटा, तब तो आपके होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। जब आपके हाई प्रेशर होते हैं तो आप देख रहे हो, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम योर एक्सप्रेशन कि आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। क्लियर? Yes, मतलब अभी भी गैसेस डेविएट होगी, लेकिन गैसेस डेविएट कैसे होगी? इफ क्या लिख सकते हैं हम? Z greater than 1, then चाहे less than 1 हो चाहे greater than 1 हो, दोनों ही केसेस में गैसेस क्या होंगी? डेविएट होंगी। इफ Z greater than 1, then गैसेस डेविएट। कौन से बिहेव से बेटा? आइडियल बिहेवियर। लेकिन कौन सी साइड? आपकी हाँ, आपकी साइड बेटा रिपल्सिव फोर्सेस टुवार्ड जेड अगर ग्रेटर देन वन होगा तो टुवार्ड्स रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर बेटा यहां तक? सर जब जेड बढ़ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर तो गैस हाई प्रेशर पे लिक्विफाई होनी चाहिए। नहीं, जेड का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है बढ़ना है। जेड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो रिपल्सिव बढ़ेगा। सर लेकिन जो गैस लिक्विफाई होती है वो तो हाई प्रेशर पे होती है ना, इसका मतलब नहीं होगी ना। हाई प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होगी, ये अलग पॉइंट है। लेकिन गैस जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, तो इसका मतलब लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा। अभी बेटा सर हाई प्रेशर के साथ साथ में लो टेंपरेचर भी तो चाहिए होता है बहुत ज्यादा। नहीं, अभी हम टेंपरेचर की बात ही नहीं कर रहे ना बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं? लिक्विफाई जब होती है कोई गैस, प्रेशर की। अभी बात प्रेशर की कर रहे हैं। जब आपका प्रेशर हाई आ रहा है तो क्या आ रहा है? कौन से डोमिनेंट फोर्सेस आ रहे हैं? रिपल्सिव। रिपल्सिव आप फोर्सेस डोमिनेंट है, मतलब हम गैस को यहां सोच रहे हैं कि जब प्रेशर जब हाई होगा तो उसका मतलब गैस के पार्टिकल दूर होंगे। प्रैक्टिकली सोचो ना इस चीज को, थ्योरेटिकली मत सोचो। प्रेशर हाई होगा तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे? सर लेकिन प्रेशर हाई होगा तो गैस के पार्टिकल। अरे सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो भैया, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो, तुम अपनी लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर जब लो है, प्रेशर लो है तो अट्रैक्शन होगा गैस में, लेकिन रिपल्सन होगा। चलो गैसेस प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर का मतलब अट्रैक्शन स्टार्ट होगा या रिपल्सन स्टार्ट होगा? रिपल्सन। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशन क्या है और कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, दो बातें अलग अलग है ना बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि जब Z ग्रेटर देन वन है तो गैसेस के बीच क्या स्टार्ट हो रहा है? रिपल्सिव। तो रिपल्सन स्टार्ट हो रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है बेटा? रिपल्सन का मतलब बहुत दूर दूर है। यस है ना। और अगर Z लेस देन वन है तो कौन सा फोर्सेस वर्क कर रहा है? अट्रैक्ट का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? नियर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिक्विफिकेशन हो रहा है। ओके समझ गए बात? यस सर। तो ये चीज हो रही है कि डोमिनेंट कौन हो रहा है, मतलब मैथ की लैंग्वेज तो एक आपको क्या देगी फिर, सिर्फ ओनली क्या दे रही है आपको? एक हिंट दे रही है, वहां से आपको कंक्लूजन निकालना। अब सपोज मैं दो कंडीशन एक साथ लगा, मैं कह रहा हूं आपको केस थर्ड,
एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दो कंडीशन एक साथ लगा दी बेटा। किस किस की कंडीशन लगा दी हमने? प्रेशर की और टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो देखो, जब हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर है तो पी डोमिनेंट होगा। कोई क्लियर हो गया? और पी और वी में से वी क्या होगा? नेगलेक्ट। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? पहले भी किया हमने, जो हाई होता वही तो डोमिनेंट होता है। हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? लो। प्रेशर हाई तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? लो। लो तो वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं अपने? नेग्लेक्टेड। दूसरी साइड आ जाओ, मतलब हमने हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की जगह सपोज मैं ऐसे कर देता हूँ, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कर देता हूँ, कंडीशन लाता हूँ ना आइडियलिटी। तो बेटा देखो, लो प्रेशर है, चेक करो अब, बदल दो सारा। अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लो प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाई। लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हो जाएगा, जो हाई वाला होता है वही क्या होता है? डोमिनेंट। वॉल्यूम हाई हो गया, वॉल्यूम हाई हो गया तो ये कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट। अब इधर आ जाओ, टेम्परेचर क्या है? हाई। तो हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन तो ब्रेक हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो एट हाई टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ब्रोकन। सर उधर आपने होगा कि नहीं? आगे लिखा हुआ है वॉल्यूम हाई पी के आगे। हाँ बेटा, अगर लो प्रेशर है, अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा सर। हाई होगा ना। तो अगर लो वाली चीज से थोड़ी देखेंगे हम, जो हाई वाली चीज है उसी से तो सोल्व करोगे आप। यस सर। तो लो प्रेशर है बेटा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गलत थोड़ी बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाई। हाई होगा तो डोमिनेंट तो हाई वाली चीज है ना, तो डोमिनेंट कौन हो गया? वॉल्यूम। दूसरी कंडीशन लगा दो, कहता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है बेटा, तो अगर हाई टेम्परेचर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? ब्रोकन हो जाएंगे ना, टूट जाएंगे। मतलब ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। क्लियर? तो एट हाई टेम्परेचर, बड़ा मजेदार है बेटा पढ़ना, जब तक क्या है यहीं पर ट्यूटर की जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर हाई है तो, टेम्परेचर हाई है तो अट्रैक्टिव अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं बहुत होगा, कम होगा। बहुत कम होगा का मतलब आर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो जाएंगे ना। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। अब अपना जो वंडरवाल इक्वेशन है वो क्या है बेटा, लगाओ जरा। P प्लस ए अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन
वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं इसको फोर वन मोल गैस लिख लूं तो क्या इक्वेशन हो जाएगा बेटा, एन की वैल्यू वन रख लो तो एन की वैल्यू वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। कंडीशन क्या लगाई थी बेटा आपने, एट कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, प्रेशर लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को ले लोगे वाटर पार्ट नेग्लेक्ट कर दो तो बी नेग्लेक्ट हो गया। दूसरा क्या कंडीशन थी, एट हाई टेम्परेचर, बेटा अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या नेग्लिजिबल है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर तो ए नेग्लिजिबल हो गया बेटा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, फोर वन मोल गैस P V इज इक्वल टू आर टी, तो P V आर टी कौन सी इक्वेशन है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन कब आती है, तो इसका मतलब रियल गैसेस बिहेव आइडियली, रियल गैसेस बिहेव आइडियली। कब आइडियली बिहेव करती है बेटा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड आइडियल। तो पहले भी किया था ना ये बात कि कोई भी गैसेस है, अब ये लो और हाई वैल्यू क्या है, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग है बेटा, अलग अलग गैसेस के लिए, फॉर डिफरेंट गैसेस इट इज द डिफरेंट लो और हाई वैल्यू। लेकिन हम जनरली बोल सकते हैं कि रियल गैसेस बिहेव जो होना चाहिए, अगर कोई भी रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर रही है तो कब करेगी बेटा, क्या कंडीशन होगी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये हमेशा पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन। क्लियर बेटा यहां तक, मतलब सर जब आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई थी तो उस टाइम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर था, मतलब उस टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को ध्यान नहीं रखा गया था, तभी तो वो डेविएट हो गई थी वहां पे। तब ये बोला गया था कि आपकी आइडियल बिहेव तभी होगा जब गैसेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो, है ना, और जब अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा तो ये कब हो सकता, जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो। हाँ. बहुत दूर दूर कब हो सकते हैं, जब टेम्परेचर हाई हो। यस सर, टेम्परेचर हाई होगा तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, प्रेशर लो होगा क्योंकि प्रेशर हाई होगा तो पार्टिकल पास में आ जाएंगे। यस सर, प्रेशर लो होगा। क्लियर होगी अब सारी बात। यस सर, जब भी वो पोस्टुलेट्स में लिखा हुआ था। हाँ, पोस्टुलेट्स में लिखा था बेटा। तो पोस्टुलेट में क्या लिखा था कि भाई जब वॉल्यूम का गैस का मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम दूसरे गैस की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो या कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन ना हो तब वो आइडियल बिहेव करता है ना। और ये कंडीशन कब आ सकती है, जब क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, प्रेशर लो। अगर प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आने लगेंगे, डोमिनेंट होने लगेंगे, और प्रेशर लो होगा तो क्या होने लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस। बस चाहे रिपल्सन बढ़ने लग जाए चाहे अट्रैक्शन बढ़ने लग जाए तो गैसेस क्या होने लग जाएंगी, आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने लग जाएंगी, डेविएट होने लग जाएंगी।
यही तो बोला था आइडियल इक्वेशन तब होती है जब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन हो। क्लियर है बेटा? यस सर। बट बेटा दो गैसेस हमारे पास ऐसी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दो गैसेस ऐसी हैं फोर हाइड्रोजन एंड हीलियम, जेड मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन वन एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू स्मॉलेस्ट गैसेस, लोएस्ट मोलर मास। हाइड्रोजन और हीलियम आ जाए बेटा, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए हमेशा नेग्लिजिबल होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं तो हमेशा जेड ग्रेटर देन वन आता है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऑलवेज कैसे, जैसे देखो एज एग्जाम्पल इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस वी इज इक्वल टू आर टी इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, n का वैल्यू कितना ले लिया बेटा 1 मोल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो जरा, p प्लस n बिलो है ना, और हमने क्या बोल दिया, कौन से क्या है, ए इज कैसे है नेग्लिजिबल फोर किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि स्मॉलेस्ट गैस है ना, इसका मोलर मास है 2, इसका मोलर मास है 4, तो स्मॉलेस्ट मोलर मास है बेटा इसका, इन दोनों का स्मॉलेस्ट मोटर मोलर मास है, तो वांडर वाल इक्वेशन तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, इसलिए इनके ए जो है ना बहुत कम आते हैं, तो ए नेगलेक्ट होते हैं, तो ए क्या हो गए, ए को क्या ले सकते हैं अपने बेटा नेगलेक्ट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, या पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, पी आर टी को इधर ले जाओ, पी v अपॉन आर टी माइनस पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, पी वी अपॉन आर टी क्या होता है बेटा, जेड, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, तो जेड की वैल्यू 1 से देखो हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है, कौन सी गैसेस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो जेड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अब जेड है तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा बेटा, जब जेड लेस देन वन होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, जेड ग्रेटर देन वन कौन सा होगा एट ऑल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एंड लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज इजी या डिफिकल्ट बेटा, डिफिकल्ट, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम का जो होता है वो लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता है।
तो मोस्ट ऑफ गैसेस में लो प्रेशर पर लोगे तो अट्रैक्शन आएगा बेटा, मोस्ट ऑफ गैसेस। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो आप, एक्सेप्शन को छोड़ दो आप, एक्सेप्शन को छोड़ दोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या आएगा बेटा, अट्रैक्शन, और हाई प्रेशर पे क्या आएगा, रिपल्सन। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालें रियल गैसेस के लिए, तो कुछ ऐसा आएगा। तो क्या आएगा, फोर मोस्ट ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर जेड लेस देन वन एंड एट हाई प्रेशर Z greater than one, except hydrogen and helium. Note क्या आ गया, four hydrogen and helium Z always greater than one at all pressure. तो बेटा अगर ग्राफ बनाए हम प्रैक्टिकली, जेड की वैल्यू और प्रेशर में ग्राफ बनाए, अगर जेड कांस्टेंट रहता है ये वाला होता है, मतलब पीवी इज इक्वल टू आर टी आता है। इफ एन इज इक्वल टू वन ले लें तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, मतलब जेड इज इक्वल टू वन आता है तो आइडियल बिहेवियर। अगर ग्राफ जेड का पी के साथ कांस्टेंट आएगा इट मींस ये आपका आइडियल बिहेवियर है। लेकिन मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए क्या हुआ, दो को छोड़ के, तो कौन सी छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम छोड़ा, तो हाइड्रोजन और हीलियम इनका ग्राफ हमेशा जेड की वैल्यू या वन है, तो जेड से यहाँ जीरो है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू ऑलवेज कितनी आई, आपने ऊपर देखा था बेटा कितनी आई, ग्रेटर देन वन, मतलब डेविएशन हुआ, डेविएशन कौन सी साइड में, अट्रैक्टिव में रिपल्सिव, रिपल्सिव फोन के साथ। लेकिन अगर बाकी की गैसेस के अगर ग्राफ खींचे बेटा तो वो ग्राफ ऐसे आए, नीचे होके फिर ऊपर गए, जैसे ऑक्सीजन का खींचा गया और CH4 का खींचा गया या CO2 का खींचा गया, तो पहले नीचे फिर ऊपर आए। तो पहले नीचे फिर ऊपर आने का मतलब है ये जो लो प्रेशर था, यहां देखो यहां से जीरो प्रेशर, प्रेशर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 आगे हो गया, तो ये मैं बोलूंगा एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर जेड कितना है, वन से नीचे है या ऊपर है, नीचे। और ज्यादातर गैसेस के लिए देखा गया तो हाई प्रेशर पर, एट हाई प्रेशर जेड की वैल्यू ऊपर आ गई ग्रेटर देन वन। तो मोस्ट ऑफ गैसेस, और भी गैसेस अगर हम करेंगे तो ऐसे आएगी। तो मोस्ट ऑफ गैसेस क्या हुई, लो प्रेशर पर जेड लेस देन वन और हाई प्रेशर पर लेस जेड क्या हुआ, ग्रेटर देन वन। तो इसका मतलब डेविएट हो रही है ना, लो प्रेशर पी और हाई प्रेशर पी, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर वो किसको कर रही है इफेक्ट, इस लाइन को टच कर रही है, मतलब आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, पी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम बोल सकते हैं रिजल्ट क्या निकला, इसको बोलते हैं अमागेट कर्व। ये वाले कौन से कर्व है बेटा,
कौन से कर्व, क्या नाम दोगे? किस किस के बीच में बेटा? जेड एंड पी। तो मोस्ट ऑफ गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के रिजल्ट क्या निकला सर? हाँ सर, ग्राफ नोट नहीं करना था। कर लो बेटा, और नीचे करूं? सर हो गया। सर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए नहीं बोलेंगे ना हम गेट पर? नहीं, हाइड्रोजन हीलियम हमेशा डिविएट होती हैं बेटा, लो प्रेशर भी हाई प्रेशर भी। और कौन से साइड में डेविएट होती हैं? रिपल्सिव फॉर्म, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फॉर्म है, नीचे की तरफ जाएगा तो अट्रैक्टिव फॉर्म। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब इस रिजल्ट से, हाँ बेटो बोलो बेटा। सर जो ग्राफ था इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, PV के पी जेड और PV में वॉल्यूम वेरी करे तो करे, जेड तो PV अपॉन RT होता है ना? यस सर। जेड क्या होता है? PV अपॉन RT। तो हम तो जेड में ग्राफ और किसमें खींच रहे हैं? सर लेकिन अगर इसके स्लोप देखें तो PV RT अपॉन में P आ जाएगा, तो P से P कट जाएगा, फिर V अपॉन RT आ जाएगा, फिर उसे कांस्टेंट होना पड़ेगा। V अपॉन, हां बिल्कुल बेटा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें। सर टेंपरेचर भी? टेम्परेचर भी सेम, वॉल्यूम सेम, कांस्टेंट पे ग्राफ खींचने पड़ेंगे बेटा। यस सर। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या निकला बेटा, मोस्ट ऑफ गैसेस क्या होती हैं? सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या नहीं कर सकती वो? रियल गैसेस। रिजल्ट क्या निकला? रियल गैसेस डू नॉट ओबे किसको? आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर। बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहे हो बेटा, आइडियल बिहेवियर एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर होंगे जिस पर वो आइडियल बिहेव शो कर सकती है। जनरली We can say that, generally क्या कह सकते हो आप? क्योंकि फिक्स तो नहीं है, generally gases behave ideally at low pressure and high temperature. क्लियर? चलें बेटा आगे। यस सर। यस सर। अब इसका मतलब आइडियल जो आपकी वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इससे किसी भी गैस का हम बिहेव एक्सप्लेन कर सकते हैं किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर वो आइडियलिटी शो कर रही है या आइडियलिटी शो नहीं कर रही है, कि भाई आइडियलिटी शो कर रही है या आइडियलिटी नहीं शो कर रही है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ग्राफ से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। सर सर वो जो ग्राफ बना था, हाँ सर, उसमें एट लो प्रेशर जो जेड की वैल्यू कम होनी चाहिए थी वन से। ठीक है, तो सर जब ओरिजिन पे था ग्राफ, मतलब वैल्यू जीरो, सब आइडियलिटी थी बेटा, जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 180 प्रेशर पर आइडियलिटी थी। सर वहाँ पे तो प्रेशर जीरो हो रहा था ना? नहीं, ग्राफ ये हो रहा था ना हमारा, ग्राफ ये हो रहा था ये। तो आपसे अगर मैथ का कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे आपने मेरे से पूछ लिया
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया कि सर इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो यहाँ इक्वेशन आ रही है ना, यहाँ तो आइडियल बिहेवियर है, कोई भी गैस हो उसका बिहेव आइडियल है, जब कब प्रेशर कितना हो, जीरो होगा ना, प्रेशर होगा ना जीरो सर, हाँ प्रेशर जीरो हो, टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर 27 दिया नहीं हुआ है, वैसे जीरो डिग्री सेल्सियस पर स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सही नहीं है ना ये, यस सर, प्रैक्टिकली पी इज इक्वल टू जीरो थोड़ी हो सकता है, एटमोस्फेयर है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा ना बेटा सर, लेकिन अगर यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर करें, जैसे कि एक जहाँ पे आपने लो लो प्रेशर लिखा है वहां पे, और एक इसको उसके थोड़ा पीछे, तो सर लेकिन वहां पे तो फिर जेड की वैल्यू पहले वाले पे ज्यादा आ रही है, फिर दूसरे वाले पे कम आ रही है, आने दो, जहां पे इस लाइन को टच करेगी तो वहां आइडियल बिहेव होगा, और टच नहीं करेगी जिस भी कंडीशन पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे टच नहीं करेगी तो आइडियल नहीं होगा बेटा, क्लियर? यस सर, मतलब पीवी इज इक्वल टू आरटी होगा तो आइडियल है, नहीं होगा तो नहीं होगा, यही चीज तो ये है बेटा। देखो जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं आपको तीन कंडीशन मिली, ये देखो नॉलेज क्लाउड यूज करता हूं, मैं कहता हूं जेड इज इक्वल टू वन, तो जेड इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ बेटा, जेड इज इक्वल टू वन का मतलब ये वन वैल्यू मिल गई ग्राफ वाली, इसको वन ले रहे हैं अपने, इस वैल्यू को कह रहे हैं वन, जेड की वैल्यू वन आ रही है बेटा, बताओ आप जेड की वैल्यू वन आई है तो इसका मतलब कैसा बिहेव हो गया, आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर है ना, जेड इज इक्वल टू वन तो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करेगा, हमेशा आइडियल होगा, आइडियल का मतलब पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा आरटी होगा फॉर वन मोल गैस, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ये तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, जब भी जेड इज इक्वल टू वन होगा आइडियल बियर, पीवी इज इक्वल टू आरटी होगा तो पी वन एटमोस्फेयर, सपोज ले लेते हैं अपने आर की वैल्यू कांस्टेंट है ये, टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो ये कंडीशन कौन सी होगी, वन एटमोस्फेयर जीरो डिग्री सेल्सियस एट एनटीपी, यस सर, हुआ कि नहीं हुआ बेटा, तो एनटीपी पे वन मोल गैस का वॉल्यूम कितना आएगा, फिक्स है 22.4 लीटर आ जाएगा बेटा, तो जेड इज इक्वल टू वन होगा तो बिहेव आइडियल होगा, आइडियल मतलब पीवी इज इक्वल टू आरटी मतलब वो मोलर वॉल्यूम कितना आएगा, 180 एटीएम जीरो डिग्री सेल्सियस पर 22.4 लीटर, क्लियर? यस सर, अब सपोज मैं आपको ये बोल दूं जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन, बेटा जब जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन होती है तो पी वी अपॉन आर टी ग्रेटर देन वन हो गया, जेड का मतलब होता है फोर वन मोल गैस, और Z इज इक्वल टू वन है तो क्लियर कट हो गया, तो कौन से फोर्स डोमिनेंट है बेटा, रिपल्सिव फोर्स, ये भी चीज क्लियर है कि जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे तो पी वी अपॉन आर टी ग्रेटर देन होगा, तो मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी कितना आना चाहिए था, 22.4, लेकिन अब तो ग्रेटर आ रहा है ना, ग्रेटर आ रहा है, देखो वैसे भी रिपल्सन ज्यादा डोमिनेंट है, रिपल्सन ज्यादा डोमिनेंट है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जाएगा तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा जब ग्रेटर देन 22.4 लीटर, ग्रेटर देन 20, वो कितना भी हो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना कि जो 22.4 से ग्रेटर हो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? मतलब डेविएट होगी ऐसी, ये क्या चीज होगी, ऊपर वाला डेविएशन ये होता, अब क्या हो गया, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम कौन से बिहेव से बेटा, आइडियल बिहेवियर, लेकिन किसकी साइड, बस यही बात है बेटा, ये चीज समझ आ गई तो समझ लो सारा चैप्टर समझ आ गया, रिपल्सिव कौन आ गया क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है,
तो तीन ही केस तो हो सकते हैं, जेड इज इक्वल टू वन हो सकता है, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन हो सकता है, या जेड इज इक्वल टू लेस देन वन, जेड इज इक्वल टू लेस देन वन हो सकता है। तो जेड इज इक्वल टू लेस देन वन, आप सोचो जेड इज इक्वल टू लेस देन वन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी लेस देन वन, तो पीवी से बड़ा क्या आ गया? आरटी। तो इसका मतलब एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लू तो वो मोलर वॉल्यूम लेस देन किससे हो जाएगा? 22.4 लीटर कम हो जाएगा ना। और Z less than 1 है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रिपल्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो मॉलिक्यूल कम होगा वॉल्यूम या ज्यादा होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 से कम हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम हो गया तो इसका मतलब वापस डेविएशन हो गया बेटा। Yes. तो इसका मतलब डेविएशन ऑफ फिर गैसेस हो गया, डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम कौन से बिहेव से? आइडियल फोर्सेस। हाँ, डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेव, लेकिन टुवार्ड किस साइड बेटा इस बार? अट्रैक्टिव फोर्सेस। और जब बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा तो गैस क्या हो जाएगी? गैस के मॉलिक्यूल सो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन विल बी इंक्रीज। और ऊपर वाले केस में जब रिपल्सन होगा तो लिक्विफिकेशन होगा या नहीं होगा बेटा? नहीं होगा। तो वही तो बात है, सारा चैप्टर वही तो घूम रहा है बार बार कि आइडियल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आइडियल में रिपल्सन डोमिनेट हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, अगर ये देखो अगर मोलर वॉल्यूम ग्रेटर देन 22.4 होगा तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल टुवार्ड रिपल्सिव फोर्सेस, सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इजी या डिफिकल्ट बेटा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा सारा पॉइंट। वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस से हम सभी गैसेस का बिहेव समझा सकते हैं, आइडियल है या नॉन आइडियल है। एक सेम गैस आइडियल भी बिहेव कर सकती है और बेटा कैसी कर सकती है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल ये कौन डिसाइड करेगा? कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर अल्टीमेटली जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जेड इज इक्वल टू वन आ जाएगा तो कैसा बिहेव होगा? आइडियल। आइडियल। मॉलिक्यूल में हम एज्यूम करते हैं कि ना अट्रैक्शन होंगे ना क्या रिपल्सन होंगे। लेकिन फिर क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन चेंजेस होने लग जाएंगे। तो अगर अट्रैक्शन हाई हो गया, पार्टिकल पास में आ गया, तब भी डेविएशन हो जाएगा। और मॉलिक्यूल दूर हो गए, रिपल्सन डोमिनेंट हो गया, तभी डेविएशन हो जाएगा। जब रिपल्सन होगा तो जेड लेस देन वन होगा और अट्रैक्शन नहीं, जब रिपल्सन होगा तो जेड ग्रेटर देन वन होगा और जब बेटा अट्रैक्शन होगा तो जेड लेस देन वन होगा। तो वहां से देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गैस इजी लिक्विफाई होगी और कौन सी गैस नहीं होगी। सर सर मतलब जब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम होती जाएगी। यस वेरी गुड। जेड जितना वन से ज्यादा होता जाएगा, वन से बढ़ेगा, ये बोलो आप, वन से बढ़ेगा तो कौन से डोमिनेंट फोर्सेस होते जाएंगे? रिपल्सिव। मतलब पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे तो उनको लिक्विफिकेशन करना क्या होता जाएगा? डिफिकल्ट। और आइडियल भी नहीं होंगे ये। हाँ बोलो।
सर जैसे कि अगर दो गैसेस दे रखी है और उनकी जेट की वैल्यू दे रखी है तो हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, कौन ज्यादा हो सकता है बेटा, जिसका वन से जितना कम वैल्यू होगा, जिसके जेड की वैल्यू वन आएगी वो उसका आइडियल बिहेव है। सर अगर दोनों की वैल्यू वन से ज्यादा दे रखी हो तो कोई बात नहीं, वन से ज्यादा है तो दोनों ही क्या है, नॉन आइडियल। यस, लेकिन जिसकी जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कौन से फोर्स से डोमिनेंट होंगे, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, रिपल्सिव, उसको लिक्विफिकेशन करना डिफिकल्ट होगा बेटा। यस सर, ओके सर, क्लियर अब? यस सर, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका आज जो हमने देखा है कि ये गैस का जो है आइडियल या नॉन आइडियल बिहेव कैसे हो सकता है, क्लियर? यस सर, ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग, थैंक यू बेटा।